लंबा बात नहीं करूंगा, ये वर्कर्स का मीट है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। और मेरे बाद हमारे फॉर्मर सीएम भी दो तीन बात बोलेंगे। यहां में 99% आप लोग तिपरासा है, ये ध्यान रख के चलिए। जिस दिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ तिपरा मौथा तिपरासा है, तब हम लोग 85% हो जाएंगे। जिस दिन सीपीएम बोलेंगे कि हम लोग ही तिपरासा, हम लोग सीपीएम पहले हैं, तिपरासा बाद में है, तो हम लोग 45% हो जाएंगे। और जनजाति मोर्चा ने भी यही बात बोल, मैं नंबर में नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग सच में 20% हो जाए। तो आपका पावर कहां है? आपका पावर है जब थानसा रहता है, जब एकता रहता है। यहां में अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उनके फादर मधुदास थे, उनके फादर एमपी एमएलए थे कांग्रेस में, मेरी मां भी थी। आज क्या वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, तो क्या त्रिपुरा का कम भला चाहती? नहीं। तो मैं थानसा को क्यों बोल रहा हूं, यूनिटी को क्यों बोल रहा हूं? आपका कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, बुगुमबारा का कम्युनिटी पार्टी से बड़ा होता है, हमारा देश पार्टी से बड़ा होता है, हमारा भूमि पार्टी से बड़ा होता है, हमारा अधिकार पार्टी से मिलता है या ना मिलता है, उसके लिए हमको एक होना पड़ता है। जो लोग, और आज मैं आपके हाथ से ताली नहीं सुनना चाहता, आई डोंट वॉन्ट योर, ताली नहीं चाहिए मुझे, आपका सोच चाहिए मुझे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिला, अगर डेवलपमेंट मिला, अगर नौकरी मिला, अगर शिक्षा मिला, अगर जमीन का लैंड राइट्स मिला, तो क्या ये सिर्फ मौथा को मिलेगा, सिर्फ जनजाति मोर्चा को मिलेगा? ये सबको मिलेगा, ये सीपीएम के लोगों को भी मिलेगा, ये आईपीएफटी को मिलेगा, ये मौथा को मिलेगा, ये जनजाति मोर्चा को मिलेगा, जिसने वोट नहीं भी डाला, जिसने नोटा किया उसको भी मिलेगा। तो मतलब ये किसको मिलेगा? तिपरासा। तो अगर हमको कुछ चाहिए, 75 साल से हम लोग अपने ही जमीन में आंदोलन कर रहे हैं, कभी लाल टोपी पहनकर, कभी दूसरे कांग्रेस का बात सुनकर, कभी मोथा का बात सुनकर, कभी बीजेपी की बात सुनकर। अगर हम लोग सब एक हो जाते हैं और एक आवाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमको आश्वासन दिया, प्राइवेटली नहीं दिया, कमरे के बंद कमरे के अंदर नहीं दिया, आपके सामने टीवी में बोला है कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई उसको आज को देखकर, स्थानीय लोगों को देखकर, भविष्य के लिए हम एक कदम नहीं दो कदम आगे जाएंगे। तो जब देश का गृह मंत्री हमको टीवी के सामने वो आश्वासन दे रहा है, राइटिंग में दे रहा है, तो उनका बात तो मानना चाहिए। अगर हम हर चीज में बोले नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हर चीज में हम बोले कि नहीं ये तो तिपरासा नहीं है तो ये कुछ गलत करेगा, तो नुकसान हमारा ही होगा। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंकिंग, आज दोनों सीट में, एक सीट में मेरा बहन को, मेरा खुद का बहन को ईस्ट त्रिपुरा में दिया है,
और वेस्ट त्रिपुरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना सोच समझ से बोला कि हम बिप्लब देव को प्रार्थी बनाएंगे क्योंकि ये टिपरासा को भी प्यार करता है। इसके लिए देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, किसी को भी दे सकता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में है कि अगर त्रिपुरा में शांति लाना है, हार्मनी लाना है, उन्नति लाना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो वेस्ट त्रिपुरा से भी अपने त्रिपुरासा के बारे उसके अंदर प्यार हो और भला करे। मेरे लिए ये एक ऐसा इंसान है, महाराजा वीर विक्रम का नाम को उठाया, आप त्रिपुरा का राजनीति देख लीजिए। मेरा पिताजी कांग्रेस में एमपी था, मेरे माताजी कांग्रेस में एमपी थी, मैं कांग्रेस में इतने साल, मैं 4 साल तक तो मैं यही में था। मैं शुभल भौमिक के लिए कैंपेन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी महाराजा का नाम उठने नहीं दिया। क्या वजह थी? कहीं ना कहीं कुछ सीपीएम के संग अंडरस्टैंडिंग बन चुका था। मैं खुद जानता हूं 2008 का इलेक्शन, यहां मैं राजेश्वर के लिए कैंपेन करना में आया, वहां मैं राजेश्वर 2013 जैसा पब्लिक का सपोर्ट मैंने देखा, मैं 100% मुझे लगा कि आईएनपीटी टाकरजला से जीतेगा। लेकिन जब काउंटिंग होता था तो हम लोग हार जाते थे। क्यों? आज पूरे इंडिया में ये इंडिया अलायंस बोल रहा है ईवीएम में घपला हो रहा है, बोल रहा है ना कि ईवीएम में कोई भी वोट डालने से बीजेपी को चलता है। लेकिन मैंने ये सबसे पहले त्रिपुरा में देखा, हमने वोट किया कांग्रेस को, हमने वोट किया आईएनपीटी को, वोट किया सीपीएम को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां में था? दिल्ली में था। आज मैं आपके सामने बोल सकता हूं, मेरे संग श्यामा चरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया, बीके रंखौल, मैं कितने बार दिल्ली गए, आप हमको लैंड राइट्स दे दो, डायरेक्ट फंडिंग दे दो, हम लोगों का अलायंस है, प्लीज त्रिपुरासा को कुछ दे दो। एक बार भी होम मिनिस्टर हमसे नहीं मिला, एक बार भी प्राइम मिनिस्टर ने हमको टाइम नहीं दिया। और 10 साल यूपीए का सरकार था, आईएनपीटी कांग्रेस एक संग, तभी भी हम त्रिपुरासा को अपना अधिकार नहीं मिला। आज बिना अलायंस होके ऑपोजिशन में त्रिपुरा मौथा बैठकर होम मिनिस्टर ने हमारे संग हमारा बात सुना और बोला कि हम एक कदम नहीं दो कदम और जाएंगे। यह फर्क है, आपको सोचना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं सीपीएम के लोग कि मोथा और बीजेपी का सीक्रेट अलायंस, नहीं, मैं जो भी करूंगा ओपनली करूंगा। अगर आप मेरे कम्युनिटी को हेल्प करते हो मैं आपके साथ हूं, अगर आप मेरे कम्युनिटी को हेल्प नहीं करते हो मैं आपके साथ नहीं हूं। डायरेक्ट टॉक। आपने क्या किया? नहीं नहीं सुनिए, ताली मत मारो, अभी मत मारो, सुनो उन्होंने क्या किया। सीक्रेट अलायंस किसका था? सीक्रेट अलायंस था कांग्रेस और सीपीएम के। आपको बिहार जीतना था, आपको केरला जीतना था, आपको तमिलनाडु जीतना था, आपको सीपीएम का सपोर्ट दिल्ली में चाहिए था, तो
तो आपने त्रिपुरा को बलिदान कर दिया। आज कितना हम लोगों का त्रिपुरा सा लोग जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से। आज कितना हम लोगों का त्रिपुरा सा लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आपने आईएनपीटी और कांग्रेस को वोट किया, आपने सीपीएम को वोट नहीं किया तो आपको नौकरी नहीं दिया गया। आज वही पार्टी जिसने हमारा वर्कर को पीटा मारा, आज वही पार्टी को हम लोग वोट कर सकते हैं? मुझसे नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ त्रिपुरासा लोग आज भी हैं जिनको पार्टी से ज्यादा जाति का प्यार है। मेरे लिए जाति इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए उन्नति इंपॉर्टेंट है, मेरा मित्र मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका व्यवहार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक सिंबल देखकर 50 साल 75 साल से भिखारी बनाया गया, वो आप अगर नहीं देखोगे तो आप प्रॉब्लम में गिरोगे। मैं और एक बात बोलना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को। आज त्रिपुरा सा भूमिहीन क्यों है? डूंगर किसने किया? अपना ब्रू शरणार्थी को कंचनपुर में अपने ही राज्य में भिखारी बना के किसने रखा? टीएमआर एलआर एक्ट हमारा। आज आप एमएलए हो, राजेश्वर हो, आईपीएफटी का हो, बीजेपी का हो, 95% त्रिपुरासा फॉरेस्ट लैंड में रहता है या खास लैंड में रहता है। अगर हम त्रिपुरासा को मोबाइल फोन खरीदना हो ना, तो आप दुकान में जाओ, आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा कि यह फोन आपका है। अगर आपको स्कूटर खरीदना है ना, तो आप जाओ, आप स्कूटर खरीदो या टेलीविजन खरीदो, एक कागज मिलेगा कि यह आपका है। लेकिन त्रिपुरा में आपका परिवार 100 साल से रह रहा है उस घर में, उस जमीन में, तभी भी आपके पास एक पर्चा नहीं है कि आपका हा है, आपका घर है, आपका जमीन है। कल जब नेशनल हाईवे बड़ा बनता है, हमारे घर के घर को काट के जलता है, हमको एक रुपया कॉम्पनसेशन नहीं मिलता क्योंकि प्रमाण नहीं है कि ये जमीन का मालिक हम है। अगर कल ओएनजीसी टेस्टिंग करता है, हम बोलते हैं कि हमारा जमीन फसल खराब हो रहा है, आप कुछ पैसा दीजिए, बोलता कि प्रमाण दिखाओ ये आपका जमीन है, हमारे पास प्रमाण नहीं है। वो लैंड राइट्स चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स चाहिए। और मैं जानता हूं कि मेरा भाई बिप्लव देव जी दिल्ली जाकर हमारे बारे बात करेगा। हमें हमने देखा है कोविड के टाइम क्या किया इन्होंने। ये खेरिंग बार हॉस्पिटल कर 22 करोड़ रुपया मांगा, 30 करोड़ रुपया दिया। अपना ग्रुप को सीपीएम बाजूबंद रियांग एमपी था, बाजूबंद रियांग एमपी था, लेकिन रियांग को कंचनपुर में बिना स्कूल पढ़ा के, बिना शिक्षा का, बिना हाइजीन का, बिना हॉस्पिटल का, बिना वोटर आईडी का त्रिपुरा में 20 साल तक रखा गया। फोन किया, मैंने देखा है, मैंने देखा है, कॉन्राड संगमा ने देखा, मैं हम लोग दोनों कमरे में थे और इन्होंने कहा हां होना चाहिए। सबने इनके खिलाफ, बहुत लोगों ने इनके खिलाफ प्रेशर डाला, मत कीजिए मत कीजिए। इनके दिल में हमारे लिए प्यार था, किया। तो ये आप अपने दिल से हटा दीजिए कि सिर्फ एक त्रिपुरासा ही त्रिपुरासा को हेल्प कर सकता है। बहुत त्रिपुरासा अपने ही घर में अपना स्वार्थ के लिए अपना लोगों को गरीब रखता है और अपना दुकान चलाता है। आज जितेंद्र चौधरी साबरूम से जीता है, अगर प्रज्ञा विक्रम माने के कैंडिडेट देता वो नहीं जीतता। मैंने क्या सोचा, त्रिपुरासा है और एक त्रिपुरासा असेंबली में जाकर अपना कम्युनिटी के बारे बात करेगा।
एक साल में उसने अपने कम्युनिटी के बारे, हमारे कम्युनिटी के बारे एक बात नहीं किया है, सिर्फ हमको अटैक किया जिसने उसको एक चांस दिया, क्योंकि उसके लिए उसका पार्टी उसके जाति से बड़ा है। मैं जानता हूं आपके दिल में भी शंका है, क्या होगा, झूठ होगा, क्या होगा, हमारा डिमांड खत्म हो जाएगा। भाई डिमांड आस्ते आस्ते करके पूरा हो रहा है। ये फाइट आपके बच्चे के लिए है, ये फाइट हमारा मां बहन आपका सुरक्षा के लिए है, आपका बच्चे के लिए है, आपका नेक्स्ट जेनरेशन के लिए है। कब तक हम लोग आपका इमोशन के संग खिलवाड़ करोगे? मेरे बाद हमारे एमपी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको टकर चला से, मैं भी यहां का एमडीसी हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां में मोथा है, आईपीएफटी है, बीजेपी है, मुझे मेरे आंख से ना मोथा दिखाई पड़ता है, ना बीजेपी दिखाई पड़ता है, ना आईपीएफटी, ना सीपीएम दिखाई पड़ता है, मुझे सिर्फ पिपरासा दिखाई पड़ता है। यह फर्क है आपका बुबागरा में। और आप लोग भी समझ लो, यू वॉन्ट टू फाइट एज वन, यू विल गेट समथिंग, यू फाइट डिवाइडेड, यू गेट नथिंग। ईदर वी फाइट एज अ टीम और वी डाई एज इंडिविजुअल्स। एक टीम होकर फाइट करो, एक संघ होकर फाइट करो, किसी के खिलाफ फाइट मत करो। और एक लोग यहां में बोल रहे हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, हम लोग महाराजा वीर विक्रम को मानते हैं। महाराजा वीर विक्रम ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, मां त्रिपुरा सुंदरी का आज भी हम लोग पूजा करते हैं, बाबा गौरिया, संगरोमा, होजागिरी हमारा फेस्टिवल है, हम लोग मानते हैं। मेरे सब दोस्त क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, मुसलमान हैं। शूजा के लिए मस्जिद बनाया, आज से 400 साल पहले एक टिपरा सा हिंदू राजा अगर मुसलमान के लिए एक मस्जिद बना सकता है तो कितना बड़ा दिल होगा हम लोगों का। और यह भी मत भूलो, अगर तला में बुद्ध मंदिर महाराजा वीर विक्रम ने बुद्धिस्ट के लिए भी बनाया। सबका साथ सबका विकास तब से चल रहा है। तो आज हमको अपने आप को धर्म के नाम में डिवाइड नहीं होना है। मैं जानता हूं जब मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा था तो बिप्लब देव जी का फोन आया, बोला महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैंने कभी सोचा ये बंगाली है या ट्राइबल है? नहीं, दोस्त। कितने क्रिश्चियंस ने चर्च में मेरे लिए फास्टिंग किया, आई नो। मुसलमान ने मस्जिद में दुआ मांगा, एक बुद्धिस्ट मंक आकर मुझे कुछ देकर गया, पूजा भी हुआ, हवन हुआ। त्रिपुरा का ये कल्चर नहीं है। और ये सीपीएम लोग ने एक चीज में इक्वालिटी लाया, मुसलमान को गरीब रखा, बुद्धिस्ट को गरीब रखा, बंगाली को गरीब रखा, तिपरासा को गरीब रखा, हिंदू को गरीब रखा, सबको गरीब रखा, उसी में बराबरी लाया सीपीएम ने। आज अगर त्रिपुरा को इंडिया के संग कदम से कदम बढ़ के बढ़ना है तो हमको राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। 75 साल से दिल्ली में कांग्रेस था, हम सीपीएम को वोट किया। आज दिल्ली में बीजेपी है, हम क्यों उल्टा रास्ता जाए? हम क्यों सीपीएम का फाइट लड़े जब सीपीएम कलकत्ता में हार रहा है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हार रहा है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में हार रहा है, दिल्ली में हार रहा है, सीपीएम केरला में हार रहा है।
तो उनका फाइट जहां में वो लोग खुद हार रहे, उनका फाइट आज पिपरासा क्यों फाइट करे? आज पिपरासा के पास दिमाग भी है, सोच भी है, हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो हमारे कम्युनिटी को भला करेगा। और मैं जानता हूं कि आज के दिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का बात हमको आगे ले जाएगा, और बुबाकरा भी दिल्ली में इंश्योर करेगा कि जो वचन दिया है उसको पूरा किया जाए। त्रिपुरा में यह पहला बार है कि एक अग्रीमेंट हुआ जहां में ना एक गोली चला, ना एक खून बहा, ना किसी का जान गया। बिना खून बहा के, बिना गोली चलाकर, बिना कोई बंगाली ट्राइबल का धंधा करके आज ये अग्रीमेंट हम लेकर आए हैं। मतलब आंदोलन सिर्फ झगड़ने से नहीं होता है, ये महात्मा गांधी का देश है, सत्याग्रह का देश है। और अगर आपके पास हिम्मत है, दिमाग है, और अगर आपका दिल बड़ा है तो सब कुछ मिल सकता है। बट बी क्लियर इन योर माइंड, दिस इज नॉट द सेंचुरी ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, दिस इज अ सेंचुरी वेयर वी ऑल शुड यूनाइट एंड गो टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर बुकुंबारा पीपल। दिल्ली जाना चाहता हूं और मैं भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को त्रिपुरा का रिजल्ट दिखाना चाहता हूं, और मैं बोलूंगा उनको गुजरात में आप कितना से जीते, उत्तर प्रदेश में कितना से जीते, मध्य प्रदेश में कितना से जीते, वो मुझे चिंता नहीं है, त्रिपुरा का रिजल्ट देखो, त्रिपुरा को टॉप टू में इंडिया में आना पड़ेगा। और अगर हम लोग अपना लोगों का भला चाहते हैं तो हमको भी समझना पड़ेगा कौन अपना दोस्त है, कौन अपना दुश्मन है, कौन ने हमारा फायदा उठाया और कौन आज हमें कुछ देना चाहता है। यही मैं बात बोलकर